अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया कि भाई मुझे ऐसा अमल बताइए जिसकी मदद से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। अब वो भाई ये सोच रहे थे कि मैं फ्यूचर भी देख लूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, ऐसा अमल आप बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आज की वीडियो में वही मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप सब कुछ मालूम कर सकते हो कि मैंने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है, मैंने पहले कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आज मेरे पास पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम आज परेशानी में आ जाते हैं और गलती तो कर लेते हैं लेकिन कौन सी गलती करते वो याद नहीं रहता, तो इसके ज़रिए से आप वो गलती भी देख सकते हो और इसके ज़रिए से ये भी जान सकते हो कि मेरे लिए कौन सा काम बेहतर रहेगा, किस काम में ज़्यादा मुझे मुनाफा होगा, किस काम में ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए से देख सकते हो। या फिर आप ये मालूम कर सकते हो कि ये लड़की मेरे लिए कैसी रहेगी, अगर मैं इससे शादी करूँगा तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हो। आगे चल के मेरा कारोबार कैसा चलेगा, चलेगा भी या फिर बंद हो जाएगा, ये भी आप मालूम कर सकते हो। और अगर किसी को बीमारी हो गई हो और उसका इलाज नहीं मिल रहा है, ऐसे वक्त में भी आप उसका इलाज ढूंढ सकते हैं इस अमल की मदद से। अल्लाह ताला ने हमको क्या चीज़ नहीं दी, हर चीज़ से नवाजा है। ऐसे ऐसे अमल हमारे पास मौजूद है, ऐसे ऐसे वज़ाइफ हमारे पास मौजूद है जिसको करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। उन्हीं में से एक वजीफ़ा ये भी है, बहुत ही बेहतरीन है और इसके ज़रिए से ऐसा समझो कि आप फ्यूचर भी देख सकते हो कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, कोई अगर शख्स है जेल की दीवारों में बंद है और वो रिहा होना चाहता है, वो ये भी मालूम कर सकता है कि मैं किस दिन कौन सी तारीख को रिहा हो जाऊँगा, मेरा जो केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में वो कब जो है तो उसका फाइनल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। मतलब इसके ज़रिए से आप हर चीज़ के बारे में जान सकते हो कि मुझे कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, कौन सा काम मेरे लिए ठीक रहेगा, किस चीज़ में ज़्यादा पैसा मुझे मिलेगा, किस चीज़ में ज़्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हो। बस एक नाम है, उस नाम को आपको पढ़ना है और कसम खुदा कि आप हर चीज़ बिस्तर पर लेटे लेटे सारी चीज़ें आप मालूम कर लोगे, जो भी आपको देखना हो, जो भी आपको मालूम करना हो। अल्लाह ताला ने हमको हर चीज़ से नवाजा है, हर चीज़ का इलम हमें दिया है, तो मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें बहुत सारा इलम दिया है और हम ये सारी चीज़ें करके, वज़ाइफ करके, वजीफ़े करके, अमल करके हम हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसके ज़रिए से आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका कहीं पर काम रुका हुआ है और आप ये भी मालूम कर सकते हो कि मेरा वो काम है कब तक रुका रहेगा और कब से शुरू होगा। अगर कहीं फंसे हुए हो, वहाँ से रिहाई चाहते हो, यानी कि वहाँ से जाना चाहते हो, आप वो भी मालूम कर सकते हो कि कब मुझे यहाँ से रिहाई मिलेगी, कब मैं यहाँ से आज़ाद होऊंगा। ये सारी चीज़ें आप इस अमल के ज़रिए से मालूम कर सकते हो, सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे। बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं, और बस आपको बिस्तर पर लेटे लेटे इस अमल को करना है और इंशाल्लाह ताला आपको बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपको सारा हाल मालूम पड़ जाएगा। इसके ज़रिए से आप ये देख सकते हो कि मैंने जिसको पैसा दिया है वो वापस करेगा भी या नहीं करेगा। इसके ज़रिए से आप ये दे सकते हो कि इसको फला शख्स को अगर आप कर्ज़ दे रहे हो तो इसको देना अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। इसके ज़रिए से आप ये देख सकते हो कि मेरी शादी कहाँ होगी, कैसे घर में होगी, कौन से घर में होगी, किस लड़के से होगी, और अच्छा रहेगा मेरे लिए या फिर बुरा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी मालूम कर सकते हैं कि मैं कौन सा धंधा करूँ, कौन सी जॉब करूँ, कौन सी नौकरी करूँ, कौन सी ऐसी दुकान जो है तो खोलूँ मैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा उसमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हो, इस एक अमल के ज़रिए से, एक नाम के ज़रिए से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेरोज़गार होते हैं, उनको रोज़ी नहीं मिलती, तो वो भी देख सकते हैं कि भाई मुझे रोज़ी कहाँ पर अच्छी मिलेगी, कब मिलेगी, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। ऐसा समझो कि हर चीज़ आप देख सकते हो, जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो। ठीक है, आगे क्या होने वाला है और पीछे कौन सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। करना क्या आपको, आपको सबसे पहले गुसल करना है, पाक होना ज़रूरी है। ठीक है, तहारत होना ज़रूरी है आपको, तो सबसे पहले गुसल कर लेना। गुसल करने के बाद में आपको वज़ू करना है और ये जो काम है ना, ये उस वक्त करना जब आप सोने वाले हो, सोने का टाइम है उसी वक्त करना, उससे पहले नहीं। ठीक है,
तो सबसे पहले गुसल करना, फिर वज़ू करना और बिस्तर पर जाकर के लेट जाना। हल्की हल्की खुशबू है तो लगा लेना, ठीक है। अब ये करने के बाद में आपको बिस्तर पर लेटे लेटे या बदू या बदू या बदू, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है या बदू, इसको पढ़ते जाना है। और अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी जो तमन्ना है, उसको दिल में रखना है। जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, जो चीज़ आप देखना चाहते हो उसको दिल में रखना और या बदू या बदू या बदू पढ़ते जाना। तब तक के पढ़ना जब तक के नींद नहीं लग जाती, नींद लगे तक के, सोने तक के आपको पढ़ना है। और इंशाल्लाह ताला उसी रात ख्वाब के अंदर आप देख लेना, जो भी आप देखना चाहते हो वो सारा के सारा हाल आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इसकी भी दो तीन निशानियाँ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली नहीं दिखाई देता है, कोई बुज़ुर्ग आकर के हमारे ख्वाब में बताता है, ठीक है, या फिर इसके जो मौक्किल है वो आकर के बताते हैं, या फिर कभी कभी हमें डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। तो ये तीन इसकी वजूहात है। अगर आपको ख्वाब के अंदर बुज़ुर्ग आकर के बता रहा है तो समझ जाना कि वो भी सही है, या फिर डायरेक्टली दिख रहा है तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये अमल करके आप सब कुछ मालूम कर सकते हो, सारा माजरा देख सकते हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं कौन सा काम करूँगा जिसमें मुझे फ़ायदा होगा, कौन सा काम करूँगा जिसमें नुकसान होगा, सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। वीडियो कैसी लगी आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना।